मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप का मतलब हुआ कि हम लोग कैसे बढ़ते हैं। GROWING, ग्रोइंग, UP, अप। ग्रोइंग मैंने बढ़ना, अप मतलब आगे की ओर, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, नहीं, कोई भी जिसे कोई प्लांट है, देखते हैं कि पहले छोटा रहता है, फिर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कोई बेबी है, ठीक, वो बड़ा होता है तो फिर स्कूल जाने लगता है, फिर और बड़ा होता है तो उसकी मूंछें निकल जाती है, दाढ़ी निकल जाता है, ठीक, तो बड़ा हो जाता है। और हम क्या देखते हैं, जब कोई बच्चा रहता है और बड़ा हो जाता है तो उसके फेस में है ना, उसके साइज़ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे देखिए, यही छोटा प्लांट है, ठीक, जब ये बड़ा हो गया तो कैसा दिखता है, दिख रहा है ना, तो दिखने में भी अलग दिखता है बड़ा होने के बाद। यही देखिए, ये छोटा बच्चा है, ठीक, जब ये बड़ा हो गया, ऐसा बन गया, देख रहे हैं इसमें कितना चेंजिंग आ गया, अब देख रहे हैं, देख ही रहे होंगे, ठीक। तो बड़ा हो जाने के बाद आदमी में चेंजिंग आ जाता है। आप बोलिएगा अपने मम्मी से कि पापा का बचपन का फ़ोटो दिखाओ, पापा का बचपन का फ़ोटो देखिए और अभी अपने पापा को देख रहे हैं, तो देखिए कि दोनों में बहुत चेंजिंग लगेगा। या आप खुद का फ़ोटो बोलिएगा कि जब मैं बच्चा था उस समय का फ़ोटो हमको दिखाओ और अभी का फ़ोटो देखिए, दोनों में बहुत चेंजिंग आपको दिखाई देगा, ठीक। यही हम लोग को देखना है कि जब बढ़ते हैं हम लोग तो क्या क्या चेंजिंग आता है, ठीक है। देखिए, ALL, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रोन अप। सारे लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, तो लिविंग थिंग उसको कहते हैं जो सांस लेते हैं, जिसमें मोशन होता है, जो बढ़ते हैं, जो खाते हैं, वो सब लिविंग थिंग्स होते हैं। व्हेन वी बॉर्न, मतलब जब हम पैदा हुए थे, वी आर वेरी स्मॉल, उस समय हम बहुत छोटे थे। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है उसमें बहुत छोटा रहता है। ए लिटिल बॉय इज कॉल्ड एन इन्फेंट। ए लिटिल बॉय, छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, इन्फेंट। हु इज नोन एज इन्फेंट, इन्फेंट किनको कहते हैं, तो क्या आंसर होगा, ए लिटिल बॉय इज कॉल्ड एन इन्फेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्रोन अप्स लुक डिफरेंट फ्रॉम चिल्ड्रेन। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह अलग दिखने लगता है, बच्चा से थोड़ा अलग दिखने लगता है। इट इज ट्रू, ये सही है, फॉर ऑल द थिंग्स दैट ग्रो, ये उन सारे वस्तुओं के लिए सही है जो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। लुक एट योर पिक्चर व्हेन यू वेर ए बेबी, आप अपने फोटो को देखिए जब आप बच्चे थे। यू हैव ग्रोन बिगर, आप बड़े हो गए। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज, सारे लिविंग थिंग्स है, जो जीवित सामान है, जीवित वस्तु है, वो सभी क्या करते हैं, बढ़ते हैं और चेंज मतलब परिवर्तित होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आपको दिखाए थे कि देखिए ये बच्चा बड़ा होकर के ऐसा बन गया, कितना परिवर्तन हुआ। ये छोटा प्लांट बड़ा होकर के एक बिग ट्री बन गया, बड़ा पेड़ बन गया, देखिए कितना परिवर्तन हो गया, ठीक। वी ऑल लुक डिफरेंट एज वी ग्रोन अप, हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं डिफरेंट दिखते हैं, मीन्स थोड़ा अलग दिखते हैं, पहले से थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। ए पर्सन बिकम्स वीक इन द ओल्ड एज, जब कोई आदमी बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड एज मतलब बूढ़ा आद हो जाता है, ठीक, तो वीक मतलब कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। कोई आदमी जब बूढ़ा होता है तो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ए यंग पर्सन हैज़ ब्लैक हेयर, यंग पर्सन मीन्स बड़ा बच्चे का, जब बच्चा बाल, देखिए आप अपना बाल देखिए, आपका बाल कैसा है, ब्लैक है, मीन्स काला बाल है, ठीक। तो यंग पर्सन का बाल कैसा होता है, ब्लैक हेयर होता है, काला बाल होता है। एंड ओल्ड पर्सन हैज़ वाइट हेयर, और ओल्ड पर्सन मीन्स बूढ़े आदमी का हेयर कैसा होता है, वाइट, WHITE, वाइट, वाइट मीन्स उजला बाल होता है, ठीक है। You will be old like your grandparents, आप भी अपने grandparents का मतलब क्या हुआ students, grandparents का मतलब हुआ दादा और दादी। दादा को बोलते हैं grandfather और दादी को क्या बोलते हैं, grandmother। लेकिन यहाँ grandparents में कौन कौन आएंगे, दादा भी आएंगे और दादी भी आएंगी। तो यू विल बी ओल्ड लाइक योर grandparents मीन्स आप बड़े होकर के
बाद में आप भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स माने दादा और दादी की तरह क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। अब हम लोग जानेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है। लिविंग मीन्स जो जीवित होता है उसको लिविंग बोलते हैं, और जो जिंदा नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग। अब जाहिर है कि जो जीवित होगा वो क्या करेगा, खाना खाएगा, घूमेगा, टहलेगा, बड़ा होगा, बोलेगा। और नॉन लिविंग में खाना नहीं खाते हैं, घूमते टहलते नहीं हैं, सांस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग को जानना है। देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रोज, सारे लिविंग थिंग्स ग्रो माने बढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो अप। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, वह बड़ा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि बुक जो आपका है वो क्या है, नॉन लिविंग है, क्योंकि साइज नहीं बढ़ेगा। और आप क्या हैं, लिविंग थिंग्स है, क्योंकि आप बड़े होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव लाइफ, नॉन लिविंग में लाइफ नहीं होता है, जीवन नहीं होता है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, लिविंग थिंग्स मैंने जो जीवित रहते हैं उनको बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, नीड फूड मैंने, फूड मैंने भोजन, भोजन की ज़रूरत है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत नहीं होती है। दे कैन नॉट चेंज देयर शेप और साइज, नॉन लिविंग थिंग्स अपना शेप और साइज मीन्स आकार और प्रकार को बदलते नहीं हैं। ओनली लिविंग थिंग्स ग्रो, सिर्फ लिविंग थिंग्स बढ़ता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बढ़ता है। वी ऑल ग्रो अप स्टेप बाई स्टेप, हम सभी स्टेप बाई स्टेप मतलब धीरे धीरे बढ़ते हैं, एक बार में नहीं बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। ए पर्सन कैन बी ऑफ डिफरेंट लुक, किसी भी पर्सन का, आदमी का लुक अलग अलग हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, प्लांट्स एंड ट्री आर लिविंग थिंग्स, प्लांट और ट्री क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है, जीवित होता है। दे ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो, उनको भी बढ़ने के लिए फूड चाहिए, भोजन चाहिए। ओनली दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते हैं, कौन, प्लांट्स एंड ट्रीज। अब आगे क्वेश्चन आंसर है, ये आप हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसे यहाँ टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो सही है उसमें टिक मारना है। ए लिटिल बेबी इज कॉल्ड एन, लिटिल बेबी, छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं, कि इन्फेंट बोलते हैं, तो इन्फेंट के सामने यहाँ टिक कर देना है। ए पर्सन बिकम्स वीक इन द, एक आदमी कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, कब, ओल्ड एज में, यंग एज में, बोथ, किस में, तो ओल्ड एज में, तो ओल्ड एज में यहाँ टिक मार देना है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको जो ब्लैंक्स है उसमें फिलअप करना है। ग्रोन अप लुक डिफरेंट फ्रॉम, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग अलग दिखते हैं, तो यहाँ क्या फिलअप करेंगे, चिल्ड्रेन। ग्रोन अप लुक डिफरेंट फ्रॉम चिल्ड्रेन। यू विल बी ओल्ड लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप यू विल बी ओल्ड, आप बूढ़े हो जाएंगे, कैसे, तो लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स भरना है। डैश थिंग्स डू नॉट ग्रोन अप, कौन नहीं बढ़ता है, तो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बढ़ता है, तो लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है इधर से इधर को, कौन किससे मैच होगा वो देखना है। जैसे यहाँ क्या है, डीओजी डॉग, तो डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो डॉग के बच्चे को हम लोग पप्पी बोलते हैं, PUPPY, तो पप्पी को डॉग से मैच कर देना है। फिर है TIGER, टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ, तो टाइगर के बच्चे को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो टाइगर के बच्चे को CUB कब बोला जाता है, तो कब को टाइगर से मैच कर देना है। मैन के बच्चे को क्या बोलते हैं, चाइल्ड, तो चाइल्ड को मैन से मैच करना है। हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं, कोल्ट, तो कोल्ट से मैच कर देना है। डक के बच्चे को क्या बोलते हैं, डकलिंग, तो इससे मैच कर देना है। काउ के बच्चे को क्या बोलते हैं, काफ, CALF, काफ, तो इसको मैच कर देना है, ठीक। इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज योर एज, आपका उम्र क्या है, ठीक। तो लिखिएगा कि माई एज इज 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, जो भी है वो लिख देना है। हाउ विल यू लुक लाइक व्हेन यू बिकम्स ओल्ड, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब कैसे दिखेंगे, तो आई विल लुक लाइक माई ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन वी बिकम्स ओल्ड, ठीक, वी बिकम ओल्ड।
व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड टू ग्रो, लिविंग थिंग्स को ग्रो माने बढ़ने के लिए क्या चाहिए, द लिविंग थिंग्स नीड्स फूड टू ग्रो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ पे फिगर बनाना है लिविंग थिंग्स का और इसको कलर करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।